तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बहुत से लोग कल की 2898 एडी के बारे में जानना चाहते हैं जो अभी 4 बजे नाग अश्विन द्वारा दिखाया जाएगा। अब यहां पे बहुत से लोग परेशान हैं कि यार ये क्या दिखाने वाले हैं, क्या होने वाला है, प्रीलूड मतलब एनिमेशन प्रीलूड है, कल की 2898 एडी का क्या प्रीलूड, व्हाट इज दैट प्रीलूड। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 बजे आने वाला है क्या एक्चुअली में, और क्या बातचीत करेंगे नाग अश्विन और किस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, है क्या एक्चुअली में, ये सारी बातें बता दूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम मैं आपको यहाँ पे करने के लिए देता हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करना है, मैं आपको इससे भी बड़ी खुशी बताने वाला हूँ। आपने तो मुझे खुश कर दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे खुश करता हूँ। देखो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रही है निकल के, सलार की डे वन की, मतलब समझ के चलो डे वन का यूके में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी सलार की, वो थी $264,000 यूके के। अब आता हूँ गुंटूर कारम की तरफ, फुल रनिंग यानी कि गुंटूर कारम की जो फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी यूके की, वो थी $192,000 यूके के डॉलर। अब आओ सरकारू वारी पाता, फुल रनिंग यानी कि पता नहीं कौन सी मूवी है सरकारू वारी पाता, मुझे नाम लेना नहीं आ रहा, लेकिन इसकी जो फुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी वो थी $210,000 यूके के डॉलर। अब आते हैं कल की 2898 एडी, सिर्फ इसके प्रीमियर की ही बता रहा हूँ, सिर्फ प्रीमियर की $236,000 हो चुकी है। अब सलार की कितनी थी डे वन की, नॉट प्रीमियर, डे वन एंड प्रीमियर मिला के सलार का $264,000 हो रहा है डॉलर में, लेकिन सिर्फ कल की का हो रहा है सिर्फ प्रीमियर डे का $236,000। तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ कि प्रभास क्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे इस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि टूट सकता है, क्योंकि डे वन का तो अलग होगा, ये तो सिर्फ प्रीमियर का बता रहा है $236,000, और वहाँ पर सलार का डे वन का $264,000। तो मुझे लगता है कि प्रभास अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार, मज़ा यहाँ पर भरपूर आने वाला है। अब आते हैं देखो अगली रिपोर्ट पे। भाई साहब मैं टोटली यहाँ पे देख के शॉक हो चुका हूँ। मैं पहली बार कोई इंडियन मूवी को यूएसए यानी कि नॉर्थ अमेरिका के जो प्रीमियर में एडवांस बुकिंग होती है ना, वो यहाँ पे कमाल की हो रही है। और जैसा मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूँ कि इसकी एडवांस बुकिंग जो लगभग रुकेगी ना, कि बहुत से लोग बोल रहे हैं 20 मिलियन होगी, 23 मिलियन होगी, अब भाई होगी लेकिन प्रीमियर पे नहीं होगी, वो पूरा सब कुछ मिला के आगे के डेज वो सब मिला के हो सकता है। प्रीमियर में दोस्तों ये 3.5 से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन तक जा सकती है, इससे ऊपर क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है। अगर हाँ 1-2 महीने और होते तो जा सकती थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 मिलियन तक चली जाती, लेकिन उस हिसाब से फिर शोज सीटें सारी भी तो होनी चाहिए ना। अब शोज सीटें मिला के जितने मिलियन डॉलर पे सीटें सारी बैठ रही होंगी, उस हिसाब से ही अभी भाई डॉलर बनेंगे, तो मेरे हिसाब से 2 मिलियन तो बैठ चुका है जैसा रिपोर्ट में यहाँ पे दिया गया है। पोस्टर भी आया, मैं आप लोगों को दिखा दूं, कल रात को पोस्टर आया था। 9 दिन बचे हैं मूवी को रिलीज़ होने में, और यहाँ पे $2 मिलियन की यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका प्री सेल्स यानी कि यूएसए एडवांस बुकिंग इसकी हो चुकी, यूएसए हाँ नॉर्थ अमेरिका की यूएसए की प्रीमियर की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, तो ये काफ़ी बड़ा है भाई। हाँ अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे, आपका सवाल क्या था कि ये कल की 2898 एडी का प्रीलूड एक्चुअली में है क्या, ये आप हमें यहाँ पे ज़रूर बताएं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, देखो ये जो प्रीलूड है ये एक्चुअली में पता है क्या दिखाने वाले हैं। देखो मैं आपको खुली भाषा में बताऊँ कि अभी ट्रेलर आया, ट्रेलर से ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला, खासतौर से ओवरसीज़ की एडवांस बुकिंग में। यहाँ की एडवांस बुकिंग अभी ओपन हुई नहीं है, हो जाती तो यहाँ पर भी हमें देखने को ज़रूर मिलता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ट्रेलर की इतनी हाइप, ऐसा लोग कह रहे हैं इतनी हाइप नहीं है। तो अब यहाँ पे हाइप को, अब देखो ये लोग क्या सोच के चल रहे हैं, हाइप क्या होनी चाहिए थी मुझे तो लग रही है, लेकिन अभी यहाँ पे जो ये लोग बात करने वाले हैं प्रीलूड में, ये होंगे बिहाइंड द सीन यानी कि उन सीन्स को दिखाएंगे, उन सीन्स के बारे में बात करेंगे, जो सीन बड़े बड़े हैं जिनको हम सोच रहे हैं कि ये कैसे सीन शूट हुए होंगे, यानी कि पब्लिक को दिखाने वाले हैं कि हमने ये सीन इतने बड़े, यानी कि उसकी हाइप बने, पब्लिक देखे ओहो इतना बड़ा सीन होने वाला है, इतनी मेहनत लगी है, फिर तो बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, और एक एक सीन के बारे में बात होगी। एंड यहाँ पे बस वही है जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि सीन्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज देंगे, एंड बस बिहाइंड द सीन जैसा होता है आप लोगों ने देखा है, बिहाइंड द सीन से थोड़ी सी ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। बिहाइंड द सीन में तो सिर्फ शूटिंग एक प्लॉट होता है जो कि कैमरे के पीछे कैप्चर हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे बातें की जाएंगी, जैसा कि हमने पठान में देखा था लास्ट में, जब शाहरुख खान, सिद्धार्थ आनंद, जॉन अब्राहम, जब सारे के सारे उस लास्ट वाले जो प्लॉट में, कौन से वाले में, जिसमें जॉन अब्राहम नीचे गिर जाते हैं, वो जो एक हट होती है उस हट में शूट किया गया था, आपने देखा होगा अगर पठान के बारे में, तो ये कुछ उस तरीके का होने वाला है अभी मूवी से रिलीज से, क्योंकि इनको लगता है, मेकर्स को लग रहा है कि हाइप कम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक है
अब इनको एडवांस बुकिंग यहाँ पे ओपन कर देनी चाहिए। और यहाँ पे ट्रेलर के बारे में सीधा ये बताया जा रहा है, वो ट्रेलर टू कटिंग हो चुकी है ट्रेलर टू की, और यहाँ पे ट्रेलर टू आप लोगों को 3 से 5 दिनों के बीच में दिखाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं 5 दिन भी मान के चलूँ, मूवी को रिलीज़ होने में कितने दिन है अभी, 9 दिन है, 5 दिन हटा दो बचेंगे कितने, 4 दिन। तो 4 दिन पहले अगर पब्लिक यहाँ पे एक ख़तरनाक ट्रेलर देख लेती तो मुझे लगता है कि काफ़ी आगे इसकी एडवांस बुकिंग होने वाली। और इसकी एडवांस बुकिंग दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 22 से 23 तारीख के बीच में इसकी एडवांस बुकिंग ओपन होगी इंडिया में। तो जल्दी हो जाओ तैयार, क्योंकि यहाँ पे मामला है काफ़ी गर्मा गर्म। अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।